हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम ये वाला बेबी सैंडल बनाएंगे। इसके आगे के वीडियो में हमने सॉल बनाना बता दिया है, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में दे दूंगी, और ऊपर आई बटन में भी लिंक आपको मेंशन कर दूंगी। तो ये वाला सॉल हमने बना करके वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप तीनों में से कहीं जगह पर जा करके देख सकते हैं। तो देखिए, ये वाली जो सैंडल है वो 0 से लेकर के 4th मंथ तक बेबी को आ जाएगी, 4 या 5 मंथ तक के बेबी को आराम से आ जाएगी। और इसका जो नाप है वो भी मैंने सॉल के वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर से मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूं कि कितने इंच का ये हमारा बनेगा। देखिए, ये 4 ply वूल से हमने बनाया है और ये 4 इंच का है। तो इस वाला जो सैंडल है इसका सोल बन चुका है। अब हम ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। और इसे हमने देखिए, इसके साथ एक और हमने पहले वीडियो अपलोड किया है हेयर बेल्ट का, तो ये भी इसके साथ बहुत ही प्यारा लगेगा। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और देखिए, मैंने 2 सोल बना करके रेडी किया है। ये वाला हमने 8 ply वूल से बनाया है और ये वाला हमने 4 ply से बनाया है। बनाने का तरीका सेम है, इसे भी हमने 15 चेन से स्टार्ट किया है और इसे भी हमने 15 चेन से ही स्टार्ट किया है। बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ वूल में फ़र्क है, इसीलिए छोटा बड़ा है। तो वूल अगर आप बड़ी लेंगे, अगर मोटी वाली लेंगे, देखिए ये बहुत ही मोटी वाली है, 8 ply है, और ये हमने प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से मंगवाई है। और इसे आप मंगवाना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये मोटी वूल होने की वजह से ये वाला बड़ा हुआ है और ये वाला 4 ply वूल से बनाया है तो छोटा हुआ है। तो वूल तो सभी प्लाई की आती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप जो भी वूल यूज़ करेंगे, आपके वो साइज़ कितनी चाहिए वो आप अपने हिसाब से बनाइए और अपने हिसाब से वूल यूज़ कीजिए। तो आप पहले तो ये सॉल बना करके देख लीजिए और बेबी का पाव भी नाप लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाली सॉल बराबर है तो ये 4 ply से बना करके देखिए। अगर आपको छोटा लगता है तो आप 5 ply की वूल भी ले सकते हैं, 6 ply की भी ले सकते हैं। तो इसे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं वूल में डिफरेंस करके, और चेन कम या ज़्यादा करके भी डिफरेंस कर सकते हैं। हमने 15 से स्टार्ट किया, इसकी जगह आप 17 से कीजिए, 2 बढ़ा दीजिए और 19 से कीजिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और 15 से किया, इसकी जगह आप 13 से कीजिए, 11 से कीजिए, इस तरह से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। वूल से भी डिफरेंस कर सकते हैं और चेन कम ज़्यादा करके भी छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप इसे किस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अब हम इसे आगे का जो पार्ट है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक सैंडल मैंने इस तरह से बना करके रेडी रखा है, क्योंकि इसमें दोनों में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का जो ए बेल्ट है, एक का इस साइड आना चाहिए और एक का इस साइड आना चाहिए। तो दोनों का मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से करना है। तो एक मैंने इतना बना करके छोड़ दिया है, तो एक मैं इस साइड से बना करके दिखाऊंगी, और ये जो हम बनाएंगे इसमें इस साइड से बना करके दिखाऊंगी। तो दोनों साइड को आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये बनता है। तो बनाने का तरीका सेम है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर ये जो 8 ply वाली वूल है, मोटी वाली, इसमें आपको बनाना दिखाऊंगी। तो ये सॉल हमने यहाँ तक अगले वीडियो में बना दिया है, तो आप वहाँ पर जा करके चेक कर लीजिए और देख लीजिए। देखिए, हम 8 ply वूल से बनाते हैं, इसके लिए हमने क्रोशिया लिया है 3.5 mm का। और अगर आप 4 ply वूल से बनाएंगे तो ये हमारा 11 नंबर का है, 3 mm का, वो क्रोशिया आप ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस सॉल हमने बना करके धागा यहाँ से काट दिया था, और अब हम यहाँ से दूसरा धागा स्टार्ट करेंगे। तो वो वाला हम ब्लू लेंगे, तो यहाँ पर से ब्लू धागा स्टार्ट कर देंगे। देखिए, जहाँ पर से वाइट हमने काटा था, इसी जगह से हम ब्लू को स्टार्ट कर देंगे, इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर से हम ऐसे करके क्रोशे को डालेंगे इस तरह से, और यहाँ से ही धागा स्टार्ट कर देंगे, ऐसे नीचे से हमें डालना है क्रोशिया। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर से क्रोशे को डालेंगे इस साइड से, ऐसे डाला, और इस साइड से देखिए यहाँ से डाला
और इस साइड से नीचे की ओर लिया और यहाँ से धागे को स्टार्ट करना है और एक चेन बना देंगे। और अब दोनों धागों को हम साथ ले लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले के अंदर भी हम इसी तरह से डालेंगे। देखिए ऐसे इस तरह से ऐसे करके हमें हर एक के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से डालना और इस साइड से ऐसे करके सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। और इन दोनों धागों को हमें साथ ले लेना है इस तरह से। ये जो चेन है हमारी, इस चेन में नीचे से डालेंगे और अगली वाली चेन में यहाँ से डालेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर से दोनों धागों को हम साथ ले लेंगे ऐसे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, तो इस तरह से आएगा हमारा। फिर से देख लीजिए, नीचे से इस वाली चेन में डालना है और फिर यहाँ पर से इसके नेक्स्ट वाली चेन में से यहाँ से डालना है, तो इस तरह से हो जाएगा। और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनेगा, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में, फिर से इस तरह से। तो ऐसे करके हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। पहली रो थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन एक बार आप बनाओगे तो आराम से हो जाएगी। देखिए इस तरह से यहाँ पर ये वाइट चेन हमारी दिखनी चाहिए, ऐसे लाइनिंग आनी चाहिए और यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनता जाएगा। तो ऐसे ही आप पूरी रो कंप्लीट कर दीजिए और फिर एक्स्ट्रा धागा यहाँ से काट दीजिए। फिर से एक दो बार देख लीजिए, यहाँ पर से नीचे से क्रोशे को डाला, फिर इसी चेन में यहाँ पर से फिर सिंगल क्रोशिया। ऐसे तो ऐसे करके राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमने हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बना दिया और ये जो हमारा सॉल था इसके आखिरी रो में हमारे पास 61 स्टिच थे, 61 डबल क्रोशे थे, तो ये हमारे सिंगल क्रोशे भी 61 आने चाहिए। आप इसे गिन करके देख लीजिए तो आपके कम या ज़्यादा नहीं होंगे। और अब यहाँ पर जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके अंदर डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। और देखिए इस तरह से ये हमारा सॉल दिखेगा नीचे से और ऊपर से इस तरह से, साइड में से हमारी वाइट चेन यहाँ पर दिखेगी। तो अब हम यहाँ पर हमने जॉइंट कर दिया, इसके बाद यहाँ पर दो चेन लेंगे और इसी जगह पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पर हमने दो चेन बनाई इसी जगह पर फिर से एक बार डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार ही डबल क्रोशिया बनाना है और इस तरह से हम पूरी चेन उठा लेंगे सिंगल क्रोशिया की। देखिए हर एक के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया ऐसे, तो इसी तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया बना लीजिए। ऐसे पूरी चेन उठाएंगे ऐसे, तो राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना दिया 61 के ऊपर 61। आप गिन करके बनाएं ताकि कम या ज़्यादा ना हो। अब हमने जो पहला डबल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और हाँ मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आप 4-ply वूल से बनाएंगे तो भी बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, तो इसी तरह से आप बनाइए आराम से हो जाएगा। 11 नंबर का क्रोशिया लीजिए और 4-ply वूल लीजिए। तो देखिए राउंड को हमने जॉइंट कर दिया है। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट में 2-3-4-5
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलह। देखिए सोलह बार हमने सिंगल क्रोशा बना दिया। यहाँ से राउंड को जॉइंट करने के बाद हमने 16 सिंगल क्रोशे बनाए और अब हमें यहाँ से ये वाली पैटर्न स्टार्ट करनी है। देखिए आगे की जो पैटर्न है वो वाली, तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 16 हमने सिंगल क्रोशे बना दिए, इसके बाद अब हम लूप लेंगे और इसके ऊपर हमारा सिंगल क्रोशा आ गया है। देखिए तो ये जो हमारा पहला है, यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशे बनाया, इसके नेक्स्ट वाले को डबल क्रोशे इस तरह से उठाएंगे, ऐसे ऐसे उठा करके यहाँ पर डबल क्रोशा बना देंगे। इस तरह से बनाया, अब इससे नेक्स्ट वाले के ऊपर हम डबल क्रोशा बनाएंगे लेकिन पूरी चेन नहीं उठाएंगे। देखिए इसके पीछे वाला एक ही लूप उठाएंगे, बैक लूप, इस तरह से इसे एक ही लूप उठाएंगे पीछे का और यहाँ पर डबल क्रोशा बना लेंगे। देखिए दो बनाया, फिर से तीसरा भी इसी तरह से बनाएंगे। देखिए बैक लूप उठा करके बनाना है पीछे का, आगे का लूप एक रहने देंगे। तो तीन बनाया, अब हम चौथा इस तरह से बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। देखिए इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर ऐसे करके डबल क्रोशा कर देंगे। फिर से हम तीन बार डबल क्रोशा करेंगे इस तरह से। देखिए एक दो और ये तीन, इस ऐसे करके हमें एक ही लूप उठाना है और इस तरह से तीन बनाना है। फिर से चौथे वाले को इसी तरह से फ्रंट पोस्ट बनाना है, ऐसे ऐसे करके डबल क्रोशा थोड़ा सा लंबा रख करके बना देंगे और फिर से तीन बार डबल क्रोशा करेंगे जैसे हम करते थे एक ही लूप उठा करके, वैसे एक नेक्स्ट में दो फिर से नेक्स्ट में तीन, तीन बार डबल क्रोशा बना दिया। अब चौथे को फिर से इस तरह से उठाना है ऐसे, तो इसी तरह से हमारा जो फ्रंट पोस्ट है वो आठ बार आना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, तो इस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है। देखिए एक दो तीन और चार, और चार बार हमारा आएगा, बीच बीच में हम तीन तीन डबल क्रोशे बना लेंगे। तो देखिए हमने आठ बार बना दिया है। यहाँ पर से हमने स्टार्ट किया था एक दो तीन चार पाँच छः और सात, सात बना दिया। इसके बाद तीन हमने डबल क्रोशे भी बना दिए। अब आठवीं बार हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे। देखिए यहाँ पर से अब हम इस तरह से उठा करके फ्रंट पोस्ट कर देंगे ऐसे इस तरह से, तो आठ बार हमारा हो गया। इसके बाद फिर से जैसे हमने यहाँ पर 16 सिंगल क्रोशे किए थे इस साइड, वैसे ही हमारा फिर से यहाँ पर भी 16 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे, 16 सिंगल क्रोशे। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया तो इसके आगे का जो हमारा डबल क्रोशा है इसकी चेन के ऊपर हम सिंगल क्रोशा बना देंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलह। तो यहाँ पर भी हमारे 16 सिंगल क्रोशे हो गए। अब हमने
पहला जो सिंगल क्रोशा बनाया था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर जहाँ पर जॉइंट किया है इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा बना देंगे और फिर से 16 के ऊपर 16 सिंगल क्रोशे बना देंगे। आप गिन करके बनाएं ताकि हमारा कम ज़्यादा ना हो। 3 बनाया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। देखिए 16 बन गया और यहाँ पर हमारा फ्रंट पोस्ट भी आ गया। तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह से। उठाया और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिया इस तरह से। और ये जो हमने 3 बनाया था डबल क्रोशिया, दोनों फ्रंट पोस्ट के बीच में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था, तो इसके ऊपर हम फिर से यहाँ पर इसी तरह से बैग लूप उठाएंगे, एक ही लूप उठाएंगे ऐसे, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। तो देखिए दोनों चेन में एक एक बना दिया। अब तीसरा हम छोड़ देंगे, 3 के ऊपर हम 2 ही बनाएंगे और सीधा यहाँ पर से फ्रंट पोस्ट कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। 3 के ऊपर 2 ही बनाएंगे, फिर से इसी तरह से करेंगे। देखिए एक ही लूप उठा करके डबल क्रोशिया बनाया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। देखिए 3 के ऊपर हमने 2 ही बना दिया और अब हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के ऊपर सीधा आ जाएंगे, एक यहाँ पर स्किप कर देंगे। 3 के ऊपर 3 नहीं बनाने हैं हमें, 2 ही बनाना है। देखिए यहाँ पर 2 बनाए, यहाँ पर भी 2 ही बनाएंगे। तो हर एक के ऊपर हम इसी तरह से करेंगे, 3 के ऊपर 2 2 बना देंगे, एक और ये 2 बन गया। अब सीधा फ्रंट पोस्ट, यहाँ पर ए वाला स्किप कर देंगे, सीधा फ्रंट पोस्ट कर देंगे ऐसे। फिर से 2 बार डबल क्रोश, एक और ये 2 ऐसे, फिर से फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से राउंड को हमें कंप्लीट करना है। देखिए 2-2 करके फ्रंट पोस्ट बना देना है और यहाँ तक इस तरह से कर देंगे। तो देखिए हमने आखिरी में भी इसी तरह से बना दिया, 2 डबल क्रोशे बना करके फ्रंट पोस्ट कर दिया। तो अब हमारे सिंगल क्रोशे आ गए फिर से, तो फिर से हम 16 के ऊपर 16 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए आप गिन करके बनाए ताकि आपका कम ज़्यादा ना हो। 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो 16 के ऊपर हमने 16 बना दिया। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे यहाँ पर स्लिप स्टिच से और फिर से एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पर से फिर से स्टार्ट कर देंगे और 16 बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे गिन करके, और यहाँ तक ये वाला जो फ्रंट पोस्ट है यहाँ तक आ जाएंगे। तो देखिए 16 के ऊपर हमने 16 बना दिया और यहाँ पर फिर से फ्रंट पोस्ट आ गया। तो इसके ऊपर हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे और अब हमें आगे यहाँ पर बनाना है। तो देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना दिया,
और अब यहाँ पर हम डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशा बना देंगे, लेकिन एक ही लूप उठाएंगे, पूरी चेन नहीं उठाएंगे। देखिए हमने हर वक्त इसी तरह से बनाया है डबल क्रोशा, पहले तीन बनाया था, सॉरी यहाँ पर पहली रो तो हमारी पूरी डबल क्रोशे की थी, यहाँ पर हमने तीन बनाए, इसके ऊपर दो बनाए, अब हम एक कर देंगे। देखिए एक बनाया और ये वाला स्किप कर देंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे ऐसे। फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर एक बार डबल क्रोशा करेंगे, एक बार किया, ये वाला स्किप कर देंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे ऐसे। फिर से एक बार बनाएंगे, एक ही लूप उठाना है हमें डबल क्रोशा जब हम बनाएंगे। देखिए पूरी चेन नहीं उठानी है, फिर से एक स्किप कर देंगे और इस तरह से बना देंगे। फिर से एक बार एक स्किप करेंगे, तो इसी तरह से करते हुए हमें पूरी रो को कंप्लीट करना है। एक डबल क्रोशा करेंगे, एक फ्रंट पोस्ट करेंगे, एक यहाँ पर स्किप कर देंगे, तीन के ऊपर दो, दो के ऊपर एक, इस तरह से हमने कम कर दिया। डबल क्रोशा हो गया, एक स्किप कर देंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, इस तरह से। अब ये आखिरी बार है हमारा, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो देखिए इस तरह से हमारा सैंडल का आगे का शेप आता जाएगा धीरे धीरे से। तो अब हमारा आखिरी बार हो गया और अब हमें यहाँ पर से फिर से जैसे हमने 16 सिंगल क्रोशे किए थे वैसे हम सिंगल क्रोशे बना देंगे, एक दो। तो देखिए 16 हमने सिंगल क्रोशे बना दिए, राउंड कंप्लीट हो गया और अब हम यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से। फिर से एक चेन लेंगे और इसी जगह पर डाल करके सिंगल क्रोशिया, फिर से हम 16 बार बना करके यहाँ पर फ्रंट पोस्ट तक आ जाएंगे सिंगल क्रोशिया करते हुए। और आप गिनते जाइए, देखिए 16 के ऊपर हमने 16 बार बना दिए और अब हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। अब बीच में हमने जो एक एक डबल क्रोशिया किया था इसे हम स्किप कर देंगे। देखिए लूप लिया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे, यहाँ पर बनाया, अब ए वाला स्किप कर देंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट करेंगे ऐसे, फिर से नेक्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट। अब हमें सिर्फ 8 हमारे फ्रंट पोस्ट है 8, तो वो वाला 8 ही हम बनाएंगे। देखिए बीच में जो हमारा डबल क्रोशिया था इसे हम स्किप कर देंगे इस तरह से, फ्रंट पोस्ट ही उठाएंगे ऐसे। 8 हमारे फ्रंट पोस्ट थे तो इसके ऊपर हम हर एक के ऊपर एक एक बार बना देंगे ऐसे। 8 बार हमारे थे तो 8ों को हम इस तरह से कर देंगे ऐसे। देखिए सभी फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने एक एक बार बना दिया, देखिए तो इस तरह से शेप आ गया हमारा। और अब हमें यहाँ पर से फिर से सिंगल क्रोशे बनाने हैं 16, जैसे हमने उस साइड बनाया था इसी तरह का इस साइड भी बना देंगे। तो सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ तक चले जाना है, यहाँ से पीछे तक। तो देखिए सैंडल हमारा रेडी हो गया है और यहाँ पर राउंड को हम जॉइंट कर देंगे। सिंगल क्रोशे हमारा कंप्लीट हो गया, पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके यहाँ पर जॉइंट कर दिया और यहाँ पर से धागा थोड़ा सा लंबा रख करके फिर यहाँ से काट देंगे। तो देखिए ये हमारा बन करके रेडी हो गया। अब हम ये वाली जो हमारी यहाँ पर फ्रिल है वो बनाएंगे और इसे हमने वाइट कलर से बनाया है, तो यहाँ से वाइट धागा हम स्टार्ट करेंगे।
पीछे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम बनाना। देखिए इस तरह से ये जो हमारा वाइट चेन दिखता है इसे हम इस तरह से पूरी चेन उठा लेंगे और यहाँ पर से ही धागा स्टार्ट कर देंगे। एक चेन बनाई और नेक्स्ट में डाला, एक बार स्लिप स्टिच किया, फिर एक चेन बनाई, फिर से नेक्स्ट में डाला, स्लिप स्टिच किया, फिर एक चेन। फिर से एक बार स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, एक बार स्लिप स्टिच और एक बार चेन, इस तरह से करते जाना है। देखिए स्लिप स्टिच किया, फिर एक चेन, और यहाँ पर जो ये वाइट चेन हमारी दिखाई देती है इसमें हमें डालना है। फिर से एक बार स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, यहाँ पर देखिए ये वाली जो वाइट चेन हमारी दिखाई देती है इसमें हम क्रोशे को डालते हैं और फिर यहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच चेन। एक हमें स्लिप स्टिच करना है और एक हमें चेन करनी है। स्लिप स्टिच कर दिया, इसके बाद एक चेन, एक भी चेन हमें यहाँ पर स्किप नहीं करनी है, हर एक में एक एक बार स्लिप स्टिच बना देना है, फिर भी बीच में एक एक चेन लेते जाएंगे ऐसे। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हम आखिरी बार एक स्लिप स्टिच करके धागे को यहाँ से कट कर देंगे ऐसे। और देखिए इस धागे की हम नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे तो सैंडल हमारा बन गया। अब हमारा जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो बनाएंगे हम, यहाँ पर ये वाला जो बेल्ट वाला हिस्सा है वो बनाएंगे। तो देखिए दोनों बन करके रेडी हो गया है और दोनों में मैं बाद में बताऊंगी कि दोनों साइड थोड़ी सी अलग अलग रहती है, क्योंकि ये वाला जो लॉक है वो एक सैंडल का हमारा इस साइड आना चाहिए और एक का इस साइड, तो दोनों को हमें थोड़ा सा डिफरेंस से बनाना पड़ता है। तो मैं आपको पहले यहाँ पर इसमें करके दिखा देती हूँ, फिर दूसरे में बता दूँगी। तो देखिए ये वाला सैंडल हमारा बन गया, अब हम ये वाला बेल्ट वाला हिस्सा बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर से हम गिनेंगे। देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था 16, तो यहाँ पर से हमारा पहला सिंगल क्रोशिया, देखिए पाँच से, तो ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है एक दो तीन चार और पाँच, पाँच हम स्किप कर देंगे और छठे वाले में से यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने पाँच चेन स्किप की है, देखिए एक दो तीन चार और पाँच, और छठी वाली चेन में हमने क्रोशे को डाला है और यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे बनाना ऐसे। एक चेन बनाई और इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया कर दिया और फिर नेक्स्ट में। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, टोटल हमें 22 बनाना है 22। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इसे। एक्स्ट्रा धागे को हम साथ ले लेंगे, इस धागे को भी हम साथ ले लेंगे जो हमने यहाँ पर से छोड़ दिया था। तो इस तरह से हम गिनते जाएंगे और बनाते जाएंगे, हमारे 22 सिंगल क्रोशे आने चाहिए।
ऐसे इस धागे को भी हमने साथ ले लिया। तो देखिए हमने 22 सिंगल क्रोशे बना दिए और यहाँ पर भी हमारे 5 चेन यहाँ पर देख सकते हैं आप रह गई है। तो यहाँ से हम फिर से एक चेन लेकर के पलट देंगे और इसी के नीचे देखिए यहाँ पर ये जो पहला है इसी के अंदर से फिर से हम बनाना स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो फिर से हम 22 के ऊपर 22 बना देंगे, 22 के ऊपर 22, हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए दूसरी रो भी हमने बना दी और इस साइड हम आ गए हैं और यहाँ पर से अब हमें बेल्ट बनाने के लिए चेन बनानी है। 24 चेन बनाएंगे। देखिए दूसरी रो सिंगल क्रोशे की बना करके हम एंड में आ गए। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 चेन हमने बना दी। अब हम 6 यहाँ पर स्किप कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सातवीं चेन में डाल करके हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया ऐसे। डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें नीचे तक जाना है इस तरह से। ऐसे करके हम डबल क्रोशिया बना देंगे। एक लास्ट में रह गया है हमारा 3, सभी में हम बना देंगे। तो ये हमने सारा बना दिया यहाँ तक और अब हम इस सैंडल को इस तरह से मोड़ देंगे। तो देखिए हमने हर एक में एक एक बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब हमें यहाँ पर भी एक बार डबल क्रोशे की रो बनानी है। तो लूप लेंगे और पहला ही जो हमारा यहाँ पर से स्टिच था इसमें से ही हम स्टार्ट कर देंगे डबल क्रोशिया बनाना। देखिए यहाँ पर तो इसी के साथ इस तरह की रो हमारी हो जाएगी ऐसे। तो हर एक चेन में डबल क्रोशिया हम बना देंगे इस तरह से और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे आखिरी तक, हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ गए। अब हम यहाँ पर आखिरी वाले के ऊपर भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। आखिरी के ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया देखिए और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को खींच करके काट देंगे और अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है इसके ऊपर। वाइट हमने जो आउटलाइन की है इसके ऊपर वो वाली बनानी है, देखिए ये वाली। लेकिन इससे पहले हम दूसरे वाले सैंडल में देख लेते हैं कि हमें किस तरह से स्टार्ट करना है। देखिए ये वाला तो हमारा बन करके रेडी हो गया। हमारा जब स्लिप स्टिच इसके ऊपर आ जाएगा आउटलाइन तो एकदम से ये रेडी हो जाएगा। तो अब हमने जो इसे बनाया है बेल्ट वाला तो दूसरे सैंडल में हमें थोड़ा सा डिफरेंस करके बनाना है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो पहले तो जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था हमने 5 यहाँ से स्किप किए थे और इसके बाद हमने स्टार्ट किया था वैसे ही करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 स्किप करने के बाद यहाँ पर से हम स्टार्ट कर देंगे धागा। यहाँ पर हमने जैसे 22 बनाए थे 22 सिंगल क्रोशे वैसे ही हम सेम बना देंगे। तो इसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने 22 बनाए थे इसी तरह से बना लेंगे सिंगल क्रोशे।
तो देखिए यहाँ तक हमने 22 बना लिए, 22 सिंगल क्रोशे बनाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब फिर से हम यहाँ पर एक चेन लेकर के पलट देंगे और फिर से 22 के ऊपर 22 बना देंगे। जैसे हमने इसमें भी दो रो बनाई थी, इसी तरह से हम इसमें भी सिंगल क्रोशा करते हुए सामने तक चले जाएंगे, हर एक चेन में एक एक बार। देखिए इस तरह से ऐसे ही हम सामने के साइड चले जाएंगे। तो देखिए हमने दूसरी रो भी कंप्लीट कर दी सिंगल क्रोशे की और यहाँ तक हम आ गए। और इसमें हमने जब बेल्ट बनाया था तो यहाँ पर दो रो बनाने के बाद यहाँ पर हमने 24 चेन बना ली थी, तो यहाँ पर हमें इस तरह से नहीं करना है। यहाँ हमें फिर से एक और दो चेन लेकर के पलट देना है और यहाँ पर डबल क्रोशे की रो बना लेनी है। फिर से देखिए चेन हमें बेल्ट की नहीं बनानी है, पहले तो हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस साइड चले जाएंगे। देखिए हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया। तो देखिए डबल क्रोशे की रो हमने कंप्लीट कर दी, 22 के ऊपर 22 डबल क्रोशे बना दिए। अब हमें यहाँ पर इस साइड से बनाना है बेल्ट, वो वाला बेल्ट हमने इस साइड बनाया था तो ये वाला हम इस साइड बनाएंगे। डबल क्रोशे की रो कंप्लीट होने के बाद 24 चेन बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। 24 बन गए, इसके बाद हम 6 स्किप करेंगे, 2, 4, 5 और 6, और सातवीं चेन में डाल करके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तीन, चार, पांच, तो इसी तरह से आप हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना दें। तो देखिए हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना दिया और अब हमें इसे जॉइंट करना है यहाँ पर। देखिए ये जो हमने डबल क्रोशे की रो बनाई थी, इसमें हमने जो पहला हमारा डबल क्रोशा है इसके नीचे यहाँ पर यहाँ हम जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें डाल करके स्लिप स्टिच से हमें जॉइंट कर देना है इस तरह से। देखिए तो यहाँ से ही हम धागे को खींच करके काट देंगे तो बेल्ट हमारा जॉइंट हो गया। धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे इस तरह से। तो देखिए ये हो गया हमारा और ये हमारा इस साइड आ जाएगा। तो देखिए दोनों का हमारा जो लॉक है वो एक का इस साइड आएगा और एक का इस साइड आएगा। देखिए यहाँ पर आएगा, इसका इस साइड आएगा। तो दोनों का देख लिया आप हमें किस तरह से बनाना है। अब हम स्लिप स्टिच तो दोनों में सेम ही करेंगे, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, तो एक में करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस साइड से, यहाँ पर से हम धागे को स्टार्ट कर देंगे। ये वाला जो सिंगल क्रोशे की पहली रो जो हमने बनाई थी वहाँ से हम वाइट धागे को स्टार्ट कर देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया बना देंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया ऐसे। और अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है इस वाले बेल्ट के ऊपर, तो यहाँ पर हम इस वाले लूप में डालेंगे। देखिए ये जो हमारा पहला लूप है इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच करते जाएंगे, हर एक लूप में डालते जाएंगे और स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे इस तरह से।
ऐसे करके पूरी रो में हमें स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से यहाँ से अब हमें चेन के ऊपर करना है। देखिए यहाँ पर हमने जो 6 चेन स्किप की थी तो इसके ऊपर भी हम स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। ऐसे ऐसे कर दिया और अब हमें यहाँ पर इस साइड में ऐसे करेंगे। इस तरह से तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर दीजिए। यहाँ पर कंप्लीट हो गया और यहाँ भी हम पूरी रो में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ऐसे इस तरह से इस। तो यहाँ पर भी हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा यहाँ तक कर देंगे। फिर यहाँ से पूरा आउटलाइन यहाँ जहाँ से हमने शुरू किया से वहाँ तक। तो यहाँ पर अब कॉर्नर पर आ गए हैं हम यहाँ से और एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर यहाँ से देखिए यहाँ तक हमने स्लिप स्टिच किया। अब हम यहाँ से सिंगल क्रोशा कर देंगे, एक किया इसी के अंदर दूसरी बार और अब हम यहाँ से इस तरह से पलट देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर सकते हैं सिंगल क्रोशा, अगर ना बनाना चाहे तो इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके स्लिप स्टिच करते हुए नीचे की ओर चले जाएंगे ऐसे। अगर आप चाहे तो यहाँ पर सिंगल क्रोशा भी कर सकते हैं और स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं। और अब हमें यहाँ से सिंगल क्रोशा बनाना है यहाँ पर नीचे की ओर। यहाँ तक हमने स्लिप स्टिच किया, अब हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया करेंगे हर एक चेन में एक एक बार। देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया है और यहाँ हम सिंगल क्रोशिया करते हुए जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ तक हमें जाना है। और एक चेन में एक एक बार ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से और एक चेन में एक एक बार इसे जहां से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक हम हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे।
यहाँ तक ऐसे। और अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसी जगह पर एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर धागे को काट देंगे। यहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे और अब धागे को खींच करके यहाँ से काट देंगे। फिर मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से ये हमारा सैंडल बन करके रेडी हो गया। तो देखिए सैंडल हमारा बन करके रेडी हो गया है और इस धागे की नॉट हमने नीडल में पिरो करके अंदर की ओर लगा दी है। देखिए बेल्ट में थोड़ा सा धागे से यहाँ पर आप थोड़ा सा चल जाइए तो धागे की नॉट भी लग जाएगी और बेल्ट हमारा एकदम से फ्रेश भी दिखेगा। देखिए तो यहाँ पर हम मोती लगाने वाले हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई बटन है तो भी आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरह का मेरे पास है लेकिन कलर इसके मैचिंग का नहीं है, तो इस तरह का अगर आपके पास बटन है तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और या तो नहीं है तो मोती भी लगा सकते हैं। देखिए हमने इसमें मोती भी लगाया है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीडल की मदद से हम मोती को अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह के फ्लावर भी हम बनाएंगे, तो फ्लावर भी हमने यहाँ पर छोटे छोटे बना करके तीन तीन लगाए हैं, आप चाहे तो एक भी लगा सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको फ्लावर बता देती हूँ किस तरह से बनाया है हमने। तो इसके लिए हम पहले तो वाइट धागा लेंगे, जो भी कलर में आप बनाना चाहते हैं। इस तरह से मैजिक रिंग बना देंगे और यहाँ से धागे को स्टार्ट कर देंगे और ऐसे करके एक और दो चेन बनाएंगे और लूप लिया, इसी के अंदर डाल करके डबल क्रोशिया। एक बार दो चेन बना ली, फिर डबल क्रोशिया किया और फिर से दो चेन और इसी के अंदर स्लिप स्टिच, फिर से दो चेन, एक बार डबल क्रोशिया, फिर से दो चेन, इसी के अंदर स्लिप स्टिच, फिर से दो चेन, एक बार डबल क्रोशिया, फिर से दो चेन, इसी के अंदर स्लिप स्टिच। इस तरह की हमें पांच पत्ती बनानी है, दो चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर से दो चेन, इसी के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। चार पत्ती बन गई, फिर से पांचवी, दो चेन, डबल क्रोशिया, दो चेन, इसी के अंदर स्लिप स्टिच, फिर इस धागे को खींच करके काट देंगे। और ये जो मैजिक रिंग वाला धागा है अंदर की ओर, जो मैजिक रिंग का धागा था, इसे हम खींच करके फ्लावर को टाइट कर देंगे इस तरह से। तो ये फ्लावर बन करके रेडी हो गया। अगर आप फोर प्लाई वूल से बनाएंगे तो छोटे छोटे बनेंगे, तो वो भी आपके सैंडल के मुताबिक ही बनेगा। देखिए ये सैंडल हमारा जिस तरह से छोटा है तो फ्लावर भी हमारे छोटे हैं, फोर प्लाई वूल हमारी पतली होती है, तो इसी तरह से ये बन जाएगा। तो इसको अब हम यहाँ पर से धागे को नीचे की ओर ले जाएंगे और यहाँ पर दोनों धागे की नॉट लगा देंगे। फिर इस फ्लावर को तो हमने नीडल की मदद से लगाया है, आप चाहे तो ब्लू गन से भी चिपका सकते हैं, तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, या तो इसी धागे के साथ भी आप बांध सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर नॉट लगा करके पक्का कर दिया है। फिर इसके बाद नीडल की मदद से हमने फ्लावर को अटैच किया है, क्योंकि जब हम वॉश करेंगे सैंडल तो भी हमारा फ्लावर अच्छे से रहेगा। देखिए इस तरह से अब इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम नीडल की मदद से मोती को यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरह से। आप पहले देख लीजिए कहाँ तक आपको लगाना है, फिर यहाँ पर धागे को पक्का कर लीजिए, इसके बाद मोती को लगा देंगे ऐसे इस तरह से। ऐसे करके दो तीन बार पक्का कर दीजिए। देखिए मोती हमने लगा दिया है यहाँ पर और अब हम यहाँ पर फ्लावर लगाएंगे, तो वो भी हम नीडल की मदद से लगाएंगे और इस फ्लावर के बीच में हमने इस तरह का एक मोती लगाया है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं इसे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले तो बीच में लगा दूंगी सेंटर में और फिर यहाँ पर दोनों साइड एक एक,
अगर आप चाहे तो एक भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो तीन भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर तीन बनाया है तो मैं तीन तीन लगाऊंगी। तो इसी तरह से इसे भी हमने नीडल की मदद से ही अटैच किया है। इस तरह से हम इसे लगा देंगे। अच्छे से आप इसको अटैच कर दीजिए ताकि हम वॉश करेंगे तो भी ये इधर उधर ना हो जाए, इसलिए इस तरह से। तो तीनों फ्लावर को हम इसी तरह से नीडल की मदद से ही अटैच कर देंगे। पहले बीच वाला लगा देंगे, फिर दोनों साइड एक एक लगा देंगे। देखिए इस तरह से, तो इसी तरह से आप लगा दीजिए। तो देखिए सैंडल बन करके रेडी हो गया है। हमने फ्लावर भी नीडल की मदद से अटैच कर दिया है और यहाँ पर मोती भी लगा दिया है। और इस मोती को यहाँ पर हमने लॉक तो बनाया है, छः चेन हमने स्किप करके, लेकिन आप इसी कोई भी डबल क्रोशे के बीच में अगर आप डालना चाहे तो भी आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप इस तरह से बंद कर सकते हैं इसे। तो आप यहाँ पर पैर में जैसे ही आपका ठीक रहे वैसे आप छोटा और बड़ा यहाँ से पहना सकते हैं। तो आपको मैं ये भी दिखा दूँ, पहले तो वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें कितना डिफरेंट है। देखिए ये जो है वो 8-ply वूल है, तो ये बना है हमारा 6 इंच में थोड़ा सा कम है, और ये वाला 4 इंच है। तो इसमें इतना फ़र्क है, बनाना दोनों का सेम ही है बनाने का तरीका। तो आप वूल जो भी लेंगे इससे आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। वूल आपकी बड़ी है तो बड़ा होगा, अगर पतली है तो छोटा होगा। तो इस तरह से ये छोटा बड़ा है, लेकिन तरीका दोनों का सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने सोल जो बनाया था नीचे का वो मैंने देखिए 4-ply में ही बना करके दिखाया था, तो इसी तरह से ये भी बनाया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।